हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद ऑन। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज आज मैं लाया हूँ कुछ स्पेशल जो कि हेलमेट के ऊपर है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अभी कोलकाता का जो टेम्परेचर है ना, वो है 45 से 48 तक जा रहा है। तो अभी बहुत गर्मी है, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा कम आ रहा है। आज जो प्रोडक्ट लाया हूँ वो है ये ब्लू आर्मोर की तरफ से ब्लू स्नैप 2, एंड ये प्रॉपरली है डस्ट फ्री कूलिंग एंड डीफॉग। तो ये प्रोडक्ट ज़्यादातर किन लोगों को काम में आएगा, जो लोग डेली ऑफिस जाते हो बाइक लेके, उन लोग के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। और ये इसका जो बैटरी बैकअप है ये 10 घंटा तक कूलिंग दे सकता है। तो चलो बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। बॉक्स के बाहर प्रॉपर लिखा है, एंड बॉक्स पहले से मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ एक बार, एंड जो फीचर लिखा है आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो अभी बॉक्स के अंदर क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ये एक स्टिकर है, इन लोग का कुछ कार्टून करेक्टर है तो उसी हिसाब से पूरा स्टिकर बनाया गया है, एंड काफ़ी सारा स्टिकर दिया गया है। तो इसे भी साइड में रखते हैं। उसके बाद और क्या क्या मिलता है। ओके, तो ये कुछ एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर है उन लोग का, तो काफ़ी अच्छा भी है एंड काफ़ी कॉमिक टाइप है, तो आप देख सकते हो। तो इसे भी साइड में करते हैं। जो मेन चीज़ है उसे मैं निकालता हूँ, ये ज़रूर मैं हेलमेट में लगाऊंगा। उसके बाद एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए ये है मेन प्रोडक्ट। तो अभी ये जो है सब मैं पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ किस चीज का कहाँ काम में लगता है। ठीक है, और ये देखिए एक माइक्रो यूएसबी केबल भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। और ये तो ये है मेन यूनिट। एंड ये जो पोर्ट आप देख रहे हो यहाँ से आपको चार्ज करना पड़ेगा। ये देखिए, और ये जो बटन आप देख रहे हो इससे चालू हो जाएगा मशीन। एंड यहाँ पे एक छोटा सा फैन दिया हुआ है, तो ये प्रॉपर एक फैन लगा हुआ है, जैसे कि कूलर होता है ना उसी टाइप का ये काम में आता है। और इसका जो रिफिलिंग होता है ना वाटर, तो वो इस साइड से है। ये देखिए, तो ये काफ़ी कूल सा प्रोडक्ट है, इसको जस्ट पानी में डुबाओ उसके बाद लगा लो। इसको भी मैं यूज़ करूँगा, अभी जस्ट आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। और ये आपका कुछ इस तरीके से, इसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉपर बैठ गया। तो अभी आपको हेलमेट में कैसे लगाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, और यहाँ पे प्रॉपर लिखा भी है बॉक्स के बाहर क्या क्या चीज़ आपको मिल जाता है। तो ये एक रिव्यू यूनिट है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा, उसके बाद इसका प्रॉपर आपको और एक रिव्यू दूँगा कुछ दिन यूज़ करने के बाद। तो अभी के लिए मैं इसे हेलमेट में यूज़ करूँगा। तो इसे हेलमेट पे लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं सिटी में जो हेलमेट यूज़ करता हूँ वो है ये स्टील वाट का। तो अभी जो जगह मुझे लगाना है वो इस जगह पे। तो इस जगह पे आप पहले देख लो किस तरीके से इसे रखना है। तो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो, यहाँ पे जो ये वाला वेंट है ना इसको आपको जस्ट इस तरीके से लगा देना है। तो ये देखो, और एक चीज़ है,
ये है एक्सटेंडर। अगर मान लीजिए ये जगह आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तब इसे आप लगा के थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरे हेलमेट में ये जगह बहुत ही सफिशिएंट। आपके हेलमेट में कहाँ प्रॉपर बैठ जाएगा, जो मेरे हेलमेट में यहाँ पे प्रॉपर बैठ जाएगा, तो मैं यहीं पे लगाने का सोच रहा हूँ। तो अभी इसको खोल लेते हैं। तो इस जगह पे आप आपका GoPro या कोई भी एक्शन कैमरा का जो माउंट होता है ना, वो भी लग सकता है आराम से। तो अभी मेरे को इस जगह पे कुछ इस तरीके से सेट करना है। तो इसका जो ये पार्ट है हटा लेते हैं। अगर आपके पास दूसरा या तीसरा हेलमेट है, तो आप दो तीन इस तरीके का जो माउंट है खरीद सकते हो। नहीं तो आप इसे हटा के फिर नया स्टिक, मतलब नया 3M का जो टेप होता है ना, उसे डाल के दूसरे हेलमेट में भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये तो प्रॉपर देख लेना और कुछ इस तरीके से बैठ गया और काफ़ी हेवी सा हो गया है। मतलब प्रॉपर इतना सारा 3M का टेप यूज़ हुआ है ना, तो बहुत हेवी सा बन गया है। हेवी सा मतलब इसका जो मजबूती है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर हो गया है। इसमें आप आसानी से GoPro या किसी भी एक्शन कैमरा लगा के मोटो ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो अभी के लिए तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये आई ये तो ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, देख सकते हो। उसके बाद ये जो रबर है उसे भी कैप कर दो, निकलने का चांस ही नहीं है। तो अभी देखिए बहुत सा हेवी सा हो गया है, एंड आप इसे इस तरीके से पकड़ भी सकते हो, ये देखो। एंड जो अंदर का पार्ट है आप देख लो, कुछ इस तरीके से आया है। तो कुछ इस तरीके से अभी रखा हूँ, एंड जो वाटर इसमें डालना है या कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा कटआउट दिया गया है, एंड नीचे भी। तो आप कुछ इस तरीके से इसे बाहर करने से ये प्रॉपर जो फिल्टर है ये बाहर आ जाता है। तो अभी मैं पानी का भी जुगाड़ करके रखा है, ये देखिए इसमें अभी पानी है। तो इसको इस तरीके से डुबाना है, ये जितना पानी लेना है वो तो प्रॉपर ले लेगा। तो ये प्रॉपर भीग गया है, ठीक है। तो अभी डाल देने का, पानी को भी हटा देते। उसके बाद में आपका प्रॉपर लुक दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए एक बार प्रेस करने से ऑन हो जाता है। उसके बाद लाइट भी जल जाता है, कितना आपका बैटरी है वो आपको इंडिकेट करता है। तो अभी के लिए तो मेरा 3 या 4 बैटरी पूरा ही है, थोड़ा सा कम है। एंड फैन भी चालू हो गया है, कुछ साउंड आपको सुनाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से साउंड आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि ये साउंड आपको प्रॉब्लम देगा, इतना साउंड तो आपको ट्रैफिक में कुछ सुनाई नहीं देता है। पहन के देखता हूँ उसके अंदर क्या फील होता है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोग देख लिए, काफ़ी ज़्यादा इजी है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको थोड़ा सा बल्कि ये दिख रहा है, एंड मुझे भी थोड़ा ये बल्कि सा दिख रहा है, मगर ये आपके लिए एंड आपका जो अंदर वाला जो फील होगा ना, इसके अंदर वाला तो काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज़ इसमें बहुत ठंडी ठंडी हवा तो आता है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान में रखना है, इसका जो पानी का जो टेम्परेचर है
उसे ही वो ठंडा करके भेजता है। अगर आप इसे बर्फ वाले ठंडे पानी से डुबाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अंदर ठंडा भी महसूस होगा। तो अभी मैं इसे पहन के देखता हूँ एंड इसका ऑन वाला बटन है उसको भी प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए तो ये चालू हो गया है एंड इसे मैं पहन के देखता हूँ कैसा फील आता है। थोड़ा सा मतलब यहाँ से जो हवा आने वाला सिस्टम है ना तो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है मेरे नाक के ऊपर से। थोड़ा मतलब पूरा जो फेस है ना उसमें प्रॉपर तो हवा लगना चाहिए, बिकॉज अभी तो मेरा वाइज़र ओपन है। तो इसे मैं बंद करके देखता हूँ। वाओ सच में यार, ओ हो, मतलब आप अगर कूलर के बारे में सोचते हो तो ये प्रॉपर कूलर टाइप है। इसके अंदर अगर ठंडा पानी डालोगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा पूरा जो सामने वाला पसीना हो जाता है ना मेरा वो तो कम हो जाएगा, इतना मुझे पक्का मालूम है। मैं चश्मा पहन के एक बार देख लेता हूँ और एक बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है पता नहीं कहाँ से। मतलब इसके जो अंदर का जो रबर का मटेरियल है बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। मतलब आपको क्या बताऊँ, सच में मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। बिकॉज़ क्या हो रहा है ना, इतना अच्छा एक ठंडा सा हवा आ रहा है मतलब पूरे फेस में आ रहा है, तो वो मुझे बहुत ज़रूरत होता है। कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे पूरा पानी टपकते रहता है, तो ये तो मुझे लगता है पक्का काम में आएगा एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हेलमेट एसी बोल सकते हो, बिकॉज़ ये हेलमेट के अंदर इतना पार्ट को तो आपको कूलिंग देगा ही देगा। और ये आप किसी भी फुल हेलमेट में लगा सकते हो, हाफ हेलमेट का तो कोई सवाल नहीं है, जगह भी नहीं है कैसे लगाओगे। तो इसका जो बैटरी बैकअप है यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, देखिए 10 घंटा। अगर वाइज़र दे देता हूँ, अगर मैं फॉग जमाने की कोशिश करता हूँ उसके बाद ये एंटी फॉगिंग का बहुत काम में आता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, पता है कि अभी ब्लैक वाइज़र एक कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो तुरंत जो हवा इधर से आ रहा है ना तो तुरंत फॉगिंग को पूरा एंटी फॉगिंग मतलब जो फॉग जमा हो रहा है ना उसे तुरंत मिटा दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है मेरे लिए एंड बाइक लेके जो लोग डेली ऑफिस जाते हो, एक दो घंटा का राइड हो या आधा घंटा का राइड हो, तो ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो अभी के लिए तो मेरे हेलमेट में ये बंधा रहेगा और मैं इसे बहुत यूज़ करूँगा। तो अभी मैं हेलमेट को खोल लेता हूँ और इसे बंद करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको जस्ट ऑफ कर दिया। एंड हेलमेट खोलने एंड उतारने का टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बिकॉज़ कभी कभार क्या होता है ना इसमें टच हो जाता है। तो मेरे किस्से में ये देखिए थोड़ा सा टच होता है ये, तो ओके तो देख सकते हो क्या प्रोडक्ट है यार। सच में इसको अगर गर्मी में यूज़ करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये सच में क्या प्रोडक्ट है। एंड इसका जो रिफिलिंग का सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैं एक बार आपको हेलमेट लगाने के बाद भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक नॉफ है एंड इसको बाहर कर दिया, और इसका जो पानी है आप ऐसे करोगे फिर भी ज़्यादा निकलेगा नहीं, तो जब भी अगर पानी ख़त्म हो जाता है फिर इसे डुबा के थोड़ा सा ऐसे करके उसके बाद डाल देना। तो ये इससे मैं डाल दे रहा हूँ। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को अगर इस तरीके का प्रोडक्ट पसंद है तो आप अपने लिए एक खरीद सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।